तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, सुपर हीरो मेकिंग यूनिवर्स में इंडियन सिनेमा भी एंट्री मार चुका है और इतने छोटे से बजट की मूवी भाई ये फाड़ के जाएगी बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और दूसरी चीज़ कि भाई इस मूवी को ढूंढना मेरे लिए उतना ही मुश्किल था जितना कि अंधेरे कमरे में एक सुई को ढूंढना। तो आप समझ सकते हो मुझे कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी है इस मूवी के लिए। तो अभी भाई मूवी को रिव्यू करने वाले हैं। अगर आप भी इस मूवी के लिए एक्साइटमेंट अपनी तरफ से बना रहे हैं कि यार जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर बहुत मूवी लगनी पड़ी है। आज ही भाई एक आध मूवी और आने वाली है, उनके भी रिव्यू आएंगे उसके बाद में। लेकिन भाई इस टाइम पर बड़ी मूवी लगी पड़ी है कि यार अपना पैसा खर्च करें या नहीं करें। अगर आप थोड़ा सा ही मन बना रहे हो तो भाई साहब थोड़ा सा वेट कर लो, दो मिनट वेट कर लो, मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये मूवी देखनी है तो क्यों देखनी है, नहीं देखनी है तो क्यों नहीं देखनी है। उसके बाद थोड़ा सा भी अगर आपका मन बन रहा है तो उस मन को पूरा मन कैसे बनाया जाए मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये मूवी कितने दमदार है या नहीं है, क्या करना है। उससे पहले वीडियो को एक लाइक, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। शुरुआत करने से पहले ही डियर ऑडियंस, माय डियर ऑडियंस, मैं आपको पहले ही बता दूं मूवी को तेलुगु ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ साथ मल्टीपल डब्ड वर्जन में भी रिलीज करा गया है। और मल्टीपल्स आपको बताऊंगा तो गिनती भूल जाओगे, इतनी सारी लैंग्वेज है लाइक तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, स्पेनिश, कोरियन, जैपनीज, चाइनीज। तो भाई साहब आप जिस भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं या जो भी लैंग्वेज आपको ठीक ठाक अच्छी तरीके से समझ में आती है उसमें भी देख लीजिएगा मूवी। भाई मूवी देखा जाए तो छोटे से बजट में जो बनाया है उसके हिसाब से सुपर डुपर धमाकेदार है। मतलब अराउंड 12 करोड़ के बजट में इस मूवी को कंप्लीट कराया गया है। और जिस हिसाब का इसकी प्लॉटिंग करी गई है, जिस हिसाब से मेकर्स ने भाई गेम खेला है, मतलब कास्ट के साथ और उसके अपनी स्टोरी के साथ, मतलब स्टेप टू स्टेप क्या प्लॉटिंग करी है, उसके बाद पूरी मूवी को कितनी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया है, उसे पब्लिक से कनेक्शन बिठाया है, साथ में डिवोशनल कनेक्शन और इमोशनल कनेक्शन, भाई बहुत कुछ है मूवी में। दूसरा, एज यूजुअल सुपर हीरो मूवी जैसे स्टार्ट करी जाती है वही है इसमें भी, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे कोई अलग दिखा दिया हो। भाई सुपर हीरो मूवीज हम बहुत देखते आ चुके हैं और वही चीज़ है लाइक ओरिजिन एंड इंट्रोडक्शन की, भाई साहब कहाँ से ये पावर इसके पास आई है, कैसे इसका जनरेशन हुआ है, मतलब अपने सुपर हीरो का। देन उसके बाद विलेन जो सेकेंड दूसरे फेज पर है उसका जनरेशन कैसे हुआ है, तो यही चीज़ दिखाया। बाकी लॉर्ड हनुमान से कनेक्शन बिठा रखा है अपने हीरो का, मतलब वो चीज़ सुपर हीरो को बिल्कुल इंडियन कल्चर के साथ जोड़ना, देन उसके बाद प्यारा सा डिवोशनल कनेक्शन बिठाना, वो चीज़ औसम लगी भाई की। और दूसरी तरफ यार हम हनुमान लला के तो सभी प्यारे हैं, भक्त हैं, साथ में जय श्री राम का नारा भाई हमारे जुबान पे ही रहता है, तो वो सारी चीज़ें हमें इस तरीके से देखने को मिलेंगी जो भाई प्रॉमिस कर रहा था ट्रेलर भी, और वही चीज़ उसमें भी देखने को मिला और कहीं गुना अच्छा देखने को मिला है कि हनुमान एसोसिएटेड हिस्ट्री में भाई इतना कुछ भी है, वो सब चीज़ें अच्छा देखने को मिला। साथ में वो अंजनाद्री हिल्स और प्लेस का कनेक्शन बहुत डिटेलिंग और डिवोशन के साथ सेट कर रखा है, वो जाइंट हनुमान का, देन टाइम टाइम पर मंत्र का जाप करना, भाई बैकग्राउंड में वो हनुमान के या हनुमान से रिलेटेड जितने भी मंत्र हैं भाई वो एनर्जी लाते हैं, वही चीज़ मूवी में लाते का नेक्स्ट फील हुआ है, ऐसा गूज़बम्स फाड़ के गया है कहीं ना कहीं। और मेकर्स का ये इतना क्लेवर मूव था कि भाई मूवी से लोग चिपक गए, कनेक्ट हो गए कि यस, क्योंकि डिवोशनल कनेक्शन मिल गया, देन इमोशनली वो इतना अच्छा टच भी कर गया, तो ये चीज़ वहाँ पर दमदार लगी। ओवरऑल मैं यार बताऊँ तो दिस इज़ नॉट एज यूजुअल सुपर हीरो मूवी जो कहीं से कॉपी कराया गया है, लाइक हमने बहुत सी सुपर हीरो मूवीज देखी है मार्वल DCU की, तो ऐसा कहीं भी फील नहीं हुआ कि वहाँ से ये मोटिवेशन या मतलब वहाँ से ऐसी चीज़ इन्होंने कॉपी उठा के डाल दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इस खुद में ही एक स्टोरी है और खुद में ही एक रीज़न है कि वाई दिस हनुमान एसोसिएटेड पावरफुल हीरो की आखिर हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये सारी चीज़ें भाई जो मेकर्स ने डिटेलिंग डाल रखी है, उसके बाद मैं फिर कह रहा हूँ कि हनुमान एसोसिएटेड जो भी हिस्ट्री है भाई उससे रिलेशन ऐसे सेट करना, वो चीज़ दमदार लगी है। जिसका मैं कहूँ तो स्टोरी बिल्डअप में और स्टोरी प्लॉटिंग में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रखा है मेकर्स ने, अपने कास्ट का भी अच्छा इस्तेमाल कर रखा है और जो भी उसके पास इन्फॉर्मेशन थी उस इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज करना है उसको बड़ी अच्छी तरीके से समझा रखा है। क्लाइमेक्स में वो हनुमान जी की एंट्री भाई धमाका मचा दिया, मतलब एक अलग ही फील देखे गया है और जो मतलब मेकर्स चाहते थे ऑडियंस से भाई वो फील करा होगा, क्योंकि मैंने भी वो बहुत अच्छी तरीके से फील किया। बाकी VFX एंड CGI की बात करें तो विजुअल इफेक्ट्स में फाड़ के गया है, बहुत अमेजिंग है। जिस हिसाब का इसका बजट है 12 करोड़ का, भाई 600 करोड़ की आदिपुरुष से तो फार फार बेटर है, उस रद्दी मूवी से इस 12 करोड़ के बजट के VFX एंड CGI बहुत फार बेटर है उससे। बाकी एक आध जगह तुम्हें लगेगा कि यार फेकिस मोमेंट है या फिर ये सीन थोड़ा सा पकड़ में आ जाता है, तो लेकिन मूवी में ऐसे ही बहुत से पॉजिटिव साइड्स हैं कि वो निगेटिवली
नोटिस नहीं होंगे, ऐसे फेकिस मोमेंट जो भी आपके सामने आएंगे वो निगेटिवली आपको नोटिस नहीं हो पाएंगे। भाई दूसरी तरफ कास्ट की बात करें तो तेजा सज्जा जो अपने सुपर हीरो हैं, मेन लीड सुपर हीरो, वो एकदम फाड़ के गया है, एक्टिंग के मामले में जबरदस्त फाड़ के गया है। एक आध चीज़ें जो मैंने ट्रेलर में पहले भी कही थी कि यार जिस हिसाब का डिलडॉल है, क्योंकि हनुमान का आप कनेक्शन बिठा रहे हो, तो ऐसे जो भारी भरकम मोमेंट है वो अगर ऐसे डिलडॉल वाले को दी जाए तो सूट भी करता है। लाइक वो पत्थर उठाना, लाइक वो जड़ों से हेलीकॉप्टर को रोकना, तो वो चीज़ थोड़ी एक आध जगह अटपटी लगी। लेकिन तेजा सज्जा की जो एक्टिंग थी, तेजा सज्जा ने जो भी काम किया है भाई, उसके हिसाब से आपको वो भी चीज़ निगेटिवली नोटिस नहीं हो पाएगी। एक बार के लिए अटपटा लगेगा लेकिन निगेटिवली नोटिस नहीं हो पाएगी। दूसरा, विलेन भी बहुत दमदार है। बस दैट्स माई रिव्यू। और मूवी दमदार है भाई, देखा जाए तो बहुत ही दमदार है जिस हिसाब का इसका बजट है। अगर आप भी देखने का मन बना रहे हो तो जाओ देखो, क्योंकि भाई ऐसे सिनेमा, ऐसा मच ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी।